म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंख। न्यूज 18 नेटवर्क के सहयोग से। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। और रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं और कैसे बेहतर बेहतर से और बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी को अग्रसर है या नहीं है, सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। और आज की जो शुरुआत करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद रहेंगे और उनका नाम है, पहले तो जानेंगे हम आपका नाम। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, तो दीपक क्या काम करते हैं? पिछले एक साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रहे हैं, वाह। और उम्र क्या है आपकी? 23 साल। 23 साल जी। तो खासतौर से एक उम्र में आपको एक अच्छी नौकरी मिल गई, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर कुछ आपने किया या सोचा या कर रहे हैं? जो मेरी मंथली इनकम है ना, उसका मैं खाली 10% सेव करता हूँ और FD में इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा म्यूचुअल फंड वगैरह में मैंने आज तक नहीं करा, क्योंकि अगर आपका सही निवेश नहीं होगा तो जो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो धीरे धीरे वो कमजोर कर देगी। तो देखिए, आज हमने एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को बुलाया है और वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उनका नाम है क्षितिज महाजन। थैंक यू सो मच जो मेरे बुलावे पे आप आ गए। तो जैसा इन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, FD में इन्वेस्ट कर रखा है, तो जो और बेहतर विकल्प और क्या हो सकते हैं बचत के? देखिए, एक शुरुआत तो इन्होंने कर दी है, इन्होंने सेविंग करनी शुरू करी है। जो आप बैंक डिपॉजिट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो फिक्स डिपॉजिट आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो सेविंग होता है। आई थिंक इक्विटीज़, बिकॉज आप यंग हैं, आप रिस्क ले सकते हैं, तो स्टार्टिंग में अगर आप हैबिट डालेंगे इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करने में, और सही तरीका है म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड में सही तरीका है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू एक अच्छा कॉर्पोरेट अपने लिए आने वाले टाइम में खड़ा कर सकते हैं। अब मैं सवालों पर आता हूँ, आपके गोल क्या हैं, किस तरह का रिक्वायरमेंट है? जी दीपक, मेरे ऐसा दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना चाहता हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए, या कोई स्टार्टअप जिसे मैं शायद अगले 10 साल के बाद इन्वेस्ट कर सकूँ। वाह, ग्रेट। सो आई एम श्योर IT में है, और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही कंपाउंडिंग को आपको बेनिफिट मिलेगा। सो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 3 से 4 अच्छी स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। कम से कम 20% तो कम से कम अपनी म्यूचुअल फंड सिप में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कीजिए, और उसमें आपका मल्टी कैप फंड है, फोकस फंड्स हैं, और लॉन्ग टर्म है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्की फंड्स भी ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होराइजन लंबा है, तो कुछ मिड कैप फंड भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और इक्विटीज ने सर लॉन्ग टर्म में बाकी सब एसेट क्लासेस को बीट किया ही है, और FD को तो बहुत अच्छे से बीट किया है जी। तो एक तो ये आपका गोल है, दूसरा क्या? अभी मैं अगले 3 से 5 सालों में अपने परिवार के साथ इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाहता हूँ यूरोप की। 5 साल के लिए अगर आप जा रहे हैं और 5 साल प्लस में जा रहे हैं, तो आप इक्विटीज़ में म्यूचुअल फंड के थ्रू, जैसे मैंने पहले बताया, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर उसमें भी कैटेगरी, क्योंकि ये मीडियम टर्म गोल है, आप लार्ज कैप फंड या आप बैलेंस एडवांटेज फंड लीजिए। सबसे अच्छा निफ्टी करें, हम तो चाहते हैं हर घर निफ्टी हो, तो वो लोग सिस्टमेटिकली निफ्टी में इन्वेस्ट करें। जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, इंडेक्स फंड्स अवेलेबल हैं सभी म्यूचुअल फंड हाउसेज के। पर आप कह रहे हैं कि 5 साल से कम समय में अगर आप जाना चाहते हैं, तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा जरिया है, जो इक्विटी जैसा रिटर्न देते हैं बट इक्विटी से कम रिस्की होते हैं जी। कुछ आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है कि आपकी प्लानिंग आप इस तरह से सोच सकते हैं? या सोच सकता हूँ, सारे जो मेरे क्वेश्चन से डाउट्स हैं उन्होंने क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्षितिज आपका भी थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड्स सही है, दीजिए बचत को पंख। न्यूज 18 नेटवर्क के सहयोग से।